अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया है। ये सब क्या बनाए हो? दीदी, हम लोगों ने चित्र बनाए हैं। अच्छा, चित्र की तो बहुत हमें लग रहा तैयारी करी है। कुछ निबंध की भी तैयारी करी है। दीदी, निबंध की क्या तैयारी करना, उसे तो हम लोग याद करके, कहीं से देख के याद करके लिख के लिख देंगे। अच्छा, याद करके लिखते हो? याद करके नहीं लिखा जाता। अच्छा, अगर हम तुम लोगों को निबंध लिखने का एक तरीका बताएं, तो क्या तुम लोग सीखना चाहोगे? हाँ दीदी। सब लोग? हाँ दीदी। अच्छा तो ठीक है, आज हम लोग एक निबंध लिखना सीखेंगे और इसकी शुरुआत हम तुम लोगों के चित्रों से ही करते हैं। सबने चित्र बनाए हैं ना? जी दीदी। अच्छा, सब लोग एक एक करके अपने चित्र के बारे में बताएंगे, एक एक वाक्य में। हाँ सोनी, तुम बता बेटा। हमारे चित्र में एक झोपड़ी बनी हुई है। अच्छा, और एक पेड़ भी है। ठीक है। कुहू, तुम बता बेटा। हमारे मेरा इस चित्र में हम एक पेड़ है, उसमें एक झूला लटका हुआ है, उसमें एक लड़की बैठी है। अच्छा, और हमारे चित्र में एक पेड़ है और उसमें बहुत खूब सारी चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है। मैंने एक जंगल का दृश्य बनाया जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अगर हम इन सारे वाक्यों को एक जगह रख लें तो एक निबंध बन जाएगा। कैसे? अभी देखो, ये देखो बच्चों, इसमें कुछ वाक्य लिखे हैं ना? हाँ दीदी। पहला वाक्य, जरा सोनी पढ़ो बेटा। एक चित्र में गांव का दृश्य है। तुमने भी बताया था कि हमारे में एक झोपड़ी बनी है। अच्छा, फिर उसके आगे कुहू। दूसरे चित्र में एक जंगल का दृश्य है। हाँ, जंगल वाला दृश्य किसने बनाया है? पार्क ने बनाया है। फिर चित्र बहुत सुंदर है। चित्र बहुत सुंदर है। उसके नीचे चित्रों में कई रंगों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक चित्र में लड़कियां झूला झूल रही है। झूल रही है ना? हाँ। किसके चित्र में झूल रही है? कुहू के चित्र में बना है, ये लड़कियां झूला झूल रही हैं। तो अभी तुम लोगों ने एक एक वाक्य अपने चित्र के बारे में बोला, उन्हीं वाक्यों को हमने यहाँ पर लिख दिया है और यही चित्र के बारे में निबंध हो गया है। इसी तरह से तो निबंध लिखते है। आप इसी तरह से ये देखो, कितना बड़ा सा चित्र है। देखा सब लोगों ने? खूब बड़ा सा चित्र है ना? अब हम इस चित्र पर निबंध एक तैयार करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पहले बातचीत करी है, उसी तरह से बात करके इस पर भी एक निबंध लिख दिया जाएगा। चलो सोनी, सबसे पहले तुम बताओ इस चित्र के बारे में। इस चित्र में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं। शाबाश। कुहू, इसमें बहुत सारे फूल हैं। हाँ, खूब रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। सपना, इसमें बहुत सारे झोपड़ी हैं। इसमें कई झोपड़ी हैं, पूरा गांव भी बसा हो सकता है। हाँ पार, तुम बोलो बेटा। इसमें किसानों ने मेहनत करके फसल उगाई है। हाँ, फसल भी उगाई है। तो अब सब लोगों ने एक एक वाक्य बोला और सारे बच्चे अपनी कॉपी पे जब यही सारे वाक्य लिख लेंगे तो चित्र के बारे में एक निबंध हो जाएगा। और हम लोगों ने इसी तरह से जैसे निबंध तैयार करा है, ऐसे ही हम घर के ऊपर, दूसरी वस्तुओं के ऊपर भी निबंध लिख सकते हैं। कैसा लगा, मजा आया? हाँ दीदी, बहुत अच्छा, मजा आया। तो अब तुम लोग निबंध लिख सकते हो? हाँ दीदी। अच्छा, तुम लोगों को कौन कौन से निबंध लिखने के लिए आते हैं? दीदी, हम लोगों को मेले, त्योहारों, ये सब में निबंध लिखने के लिए आते हैं। कभी कभी पेड़ों के बारे में भी आता है ना? हाँ दीदी। अच्छा तो ठीक है, हम लोग अब पेड़ के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इसके लिए तो हम लोगों को आम के पेड़ के पास जाना होगा। अब हम लोग यहाँ पर बैठकर पेड़ों के बारे में बातचीत करेंगे और पेड़ के बारे में एक निबंध तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग पेड़ों के ऊपर एक एक वाक्य बोलेंगे। सबसे पहले पार, तुम बताओ। इस वृक्ष से मिलने वाला फल पहले हरा होता है, फिर पक के पीला हो जाता है। ये तो आम का पेड़ है, लेकिन वैसे भी और क्या होता है पेड़ों से, तुम बताओ। पेड़ की पत्तियाँ हरी होती हैं और नुकीली और लंबी होती हैं। और पेड़ हमें छाया भी देते हैं। हाँ, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। सपना, तुम बताओ। आम कई तरह के होते हैं, जैसे सफेदा। और चौसा, दशहरी, सफेदा। हाँ,
पेड़ होते हैं उनके तना कैसा होता है? मोटा। तो पेड़ का एक तना होता है मोटा सा और उसमें डालियां होती हैं। देखो ये इतनी सारी बातें हुई, इन्हीं सब बातों को अगर हम एक साथ रख लें, लिख लें, तो आम के ऊपर एक निबंध तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत सारी बातें सबने बताई, लेकिन निबंध लिखने के लिए एक निश्चित क्रम होता है कि हम कौन सी बात पहले लिखें निबंध में और कौन सी बात बाद में लिखें। तो तुम लोग को पता है बच्चों? नहीं पता है। सबसे पहले जिस विषय पर निबंध लिखना है उसके महत्व के बारे में लिखते हैं, उसके बाद उसकी बनावट। आम का पेड़ जो है वो हमारे किस किस काम आता है? उसकी लकड़ी पूजा के काम आती है। और आम का जो फल है वो पहले कैसा होता है? पहले पीला होता है, पहले हरा होता है, पकने के बाद पीला होता है, पकने के बाद पीला होता है। तो ये बताया। उसके बाद में उसकी किस्में, जैसे हमारे यहाँ बहुत तरह के आम पाए जाते हैं, जैसे दशहरी है, सफ़ेदा है, चौसा है और लंगड़ा है। हमारे यहाँ लखनऊ में मलिहाबाद का आम कितना प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है ना, मलिहाबादी आम। तो इस तरह से हम लोग आम के पेड़ के बारे में एक निबंध हम लोगों ने तैयार कर लिया। इसी तरह से बच्चों गाय पर निबंध लिख सकते हैं ना। सबसे पहले गाय की बनावट, फिर गाय का महत्व, और इसी तरह से घर के बारे में निबंध हम लोग लिख सकते हैं। तो ये निबंध तुम लोगों को लिखना आया? अब निबंध लिख सकते हो? हाँ दीदी। दो तरीके से हम लोगों ने निबंध लिखना सीख लिया, एक तो अंदर चित्रों के माध्यम से और अभी यहाँ पर पेड़ों के बारे में निबंध लिखना हम लोगों ने सीखा। कोई भी वाक्य एक एक करके सब लोग बोलते हैं और उन्हीं वाक्यों को एक निश्चित क्रम में जब हम लोग लिख लेते हैं तो वो उसके बारे में निबंध कहलाता है। बच्चों इसे देखा? ये कलशा है, इसमें पानी भरते हैं। अच्छा, मिट्टी का भी तो एक इसी तरह का होता है, उसको क्या कहते हैं? घड़ा। घड़ा, तो समझ लो जैसे ये घड़ा है और हम लोगों को घड़े पर निबंध लिखना है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सब लोग एक एक शब्द बोलेंगे, लेकिन वो शब्द कैसा होगा? वो कलश घड़े से संबंधित होगा। घड़े पर निबंध तैयार करना है तो हम ऐसा शब्द बोलेंगे जो घड़े से संबंधित है। समझ में आ गया सबको? हाँ दीदी। चलो तो सबसे पहले सोनी बोलेगी। पनघट। अरे वाह, इसने तो बहुत अच्छा शब्द बोला। कुहू। पूजा। पूजा। स्वप्ना। कुम्हार। कुम्हार। पार्थ। ठंडा पानी। ठंडा पानी। हाँ, फिर से बोलो। आवा। आवा। अच्छा, कुहू। गोल। गोल। सारे शब्द भाई ध्यान रखना सब लोग, फिर अभी आगे और मजा आएगा, काम करना है। हाँ स्वप्ना। मिट्टी। ठीक है, अब जैसे ये सारे शब्द हो गए, सबने सुन लिए, अब इन्हीं शब्दों पर एक एक वाक्य भी बोलना है। शब्द पहले हो गए, अब वाक्य बनाएंगे इन्हीं शब्दों से। हाँ सोनी बोलो। घड़ा मिट्टी से बनता है। घड़ा मिट्टी से बनता है, किसी ने मिट्टी बोला था ना। हाँ कुहू, तुम बोलो। घड़ा गोल होता है। घड़ा गोल होता है। स्वप्ना। कुम्हार बनाता है घड़े को। घड़े को कुम्हार बनाता है। अच्छा, ये तो जैसे कलशा है, ये कांसे का है, और घड़ा जो होता है वो किसका होता है? मिट्टी। मिट्टी का होता है, कुम्हार बनाता है। ये सब किसने बताया? तुम ही लोगों ने तो बताया। अब हम इन्हीं वाक्यों को अगर एक जगह लिखें, तुम लोगों ने सबने एक एक वाक्य बता दिया, लेकिन अगर हम इन्हीं वाक्यों को एक जगह लिख लें अपनी अपनी कॉपी में, जैसे सबसे पहले क्या लिखा है जरा पाठ पढ़ के सुनाओ। घड़ा मिट्टी से बनता है। हाँ शाबाश। कुहू पढ़ो। आवा में पकाया जाता है। आवा तुम लोग नहीं जानते हो, जब घड़े बन जाते हैं, कच्ची मिट्टी के होते हैं, जल्दी फूट जाएंगे, तब उनको बहुत सारे घड़े जब बन जाते हैं उनको नीचे ऊपर रख के, और फिर धान की भूसी होती है किनारे किनारे सब जगह भर के, आग जला दी जाती है और उसी आग से सारे जो घड़े होते हैं वो पक जाते हैं और तब उनमें पानी रखा जाता है। घड़े का पानी कैसा होता है? ठंडा। ठंडा होता है ना, जब खूब प्यास से बहुत परेशान होते हैं तो पी लेते हैं तो खूब
ठंडा लगता है। तो अब हम लोगों ने ये देखो, हम बता रहे हैं वही जो तुम लोगों ने वाक्य बताए। घड़ा मिट्टी से बनता है, आवा में पकाया जाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़े के पानी से प्यास बुझती है, घड़े में जल भरकर पूजा के लिए भी रखा जाता है। नवरात्र की पूजा होती है, दूसरी होती है, तो घड़े में जल भरकर वहां पर रखा जाता है, पूजा में भी प्रयोग करते हैं। और घड़ा कैसा होता है? गोल होता है। पुराने समय में घड़े में ही पनघट से पानी लाया जाता था। बताओ निबंध तैयार हो गया? तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया? हाँ जी। तो आज हम लोगों ने कई तरीकों से निबंध लिखना सीखा। तुम लोगों को कैसा लगा? दीदी बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब बताओ निबंध लिखना कोई कठिन है? याद करना पड़ेगा? नहीं दीदी। कितना आसान है, जो भी चीज है जिस पर भी निबंध लिखना है उसको हमें मालूम है, उसके बारे में जो हम जानते हैं सब कुछ एक एक करके लिख दे, हमारा निबंध तैयार हो जाएगा। तो अब आप लोगों को निबंध रटना नहीं पड़ेगा। रटना पड़ेगा? नहीं दीदी।